नमस्कार किसान भाइयों, आशा है दोस्तों कुशल मंगल होंगे। आज मैं आपको आपके डिमांड पर, आपने बताया है कि पहला पानी कितने दिन बाद देना चाहिए और उसमें क्या क्या देना चाहिए, यानी कि नाइट्रोजन की मात्रा कब देनी चाहिए और कितनी देनी चाहिए, इस पर चर्चा करने के लिए आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम तत्वों में से जो बेसिक डोज में दे दिया है उसकी दोस्तों। उसके बाद पानी कितने दिन बाद देना चाहिए, तो मैं आपको बता देता हूँ कि पानी तो जो आलू में देना चाहिए वो 21 से 25 दिन पर पहला पानी देना चाहिए, अगर आपने पलेवा लगा करके आलू की बुवाई की है तो। और कितना देना चाहिए, किस तरह से देना चाहिए, वो एक ग्राफिक्स के द्वारा इस बोर्ड पर हम आपको समझाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। मैं हूं आपका डॉक्टर के भारद्वाज और आप देख रहे हैं ब्रजराज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों आइए सबसे पहले बात करते हैं बेसल डोज की। तो बेसल डोज के अंदर आपने दे दिया है डीएपी दिया है आपने, हम डीएपी से लेके, तो डीएपी के अंदर आपने 18% नाइट्रोजन दिया है और 46% फास्फोरस दिया है दोस्तों। अब हम यहां पर चूंकि पहला पानी लगा रहे हैं, इक्कीस दिन पर, और कैलकुलेशन करनी है नाइट्रोजन की मात्रा। दोस्तों आलू के अंदर नाइट्रोजन की जो मात्रा है उसकी आवश्यकता होती है, टोटल आवश्यकता, कुल मात्रा जो आपको देनी है वो 60 से लेकर के 80 केजी नाइट्रोजन देनी है। 60 से लेकर के 80 केजी नाइट्रोजन, इतनी ही आलू के पौधे को नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है, मिनिमम 60 केजी और मैक्सिमम 80 केजी। अब इसमें से बहुत सारी मात्रा तो वातावरण के द्वारा फिक्सिंग हो जाती है, उससे प्राप्त हो जाती है, लेकिन हम पूरी डोज पर बात करेंगे आज 80 केजी पर। तो आपने बेसल डोज में 18% दे दी, मान लीजिए आपने 4 बैग डीएपी के दे दिए हैं और एक बैग में 18% नाइट्रोजन है। 18% का मतलब 100 में से और 50 केजी में से कितनी, तो ये आ रहा है आपका 50 दूनी 100 और ये 9, बराबर आ रहा है आपका 9 केजी। आपने एक बैग में 9 किलो नाइट्रोजन पहले ही दे दिए और 4 बैग आपने दे दिए हैं, तो 9 × 36 9 × 4 = 36। आपने 36 केजी नाइट्रोजन बेसल डोज में बुवाई के समय दे दिया है दोस्तों। अब आपको कितनी नाइट्रोजन की आवश्यकता है, यहां पर आगे इसको साफ कर लेते हैं, इसको साफ कर देते हैं दोस्तों। अभी 36 केजी नाइट्रोजन और आपके टोटल आपको चाहिए 80 केजी, तो यहां पर आपने 80 में से 36 घटा लेने हैं, तो टोटल अब आपको जो देनी है वो मात्रा लगभग आ जाएगी आपकी 44 केजी। 44 केजी नाइट्रोजन अभी आपको और देनी है, तो इसको आप दो किस्तों में बांट दीजिए, एक पहले पानी पर और दूसरी दूसरे पानी पर। एक बैग यूरिया, अब ये इसकी पूर्ति आपको किससे करनी है, यूरिया से। यूरिया के एक बैग में 45 किलो का बैग आ रहा है आजकल और उसमें 46% नाइट्रोजन होती है। इस तरीके से अगर हम मान लें 45 को 50 मान लें, तो लगभग लगभग 23 केजी या 22 केजी मान लें, एग्जैक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं आप, लेकिन मैं आपको एक मोटा मोटा हिसाब बता देता हूं। 22 केजी नाइट्रोजन अगर एक बैग में है, तो एक बैग प्रति एकड़ के हिसाब से आपको पहले पानी पर देना है और अगला एक बैग दूसरे पानी पर देना है। इससे ज्यादा नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं है, ये हम अधिकतम मात्रा दे रहे हैं क्योंकि मिनिमम तो 60 है और इससे भी कम में काम चल जाता है। अगर आपके खेत में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है तो उससे बहुत कम में काम चल जाएगा, ये अधिकतम मात्रा है दोस्तों। इससे अधिक किसी भी हालत में नहीं देनी है, इससे और कम पर भी अगर 60 को लेकर के चलते हैं तो 60 में से 36 आप पहले दे चुके हैं, 24 केजी और चाहिए, यानी एक बैग से भी आपका काम चल सकता है।
तो एक से बैग से काम चल सकता है। अगर आप एक बैग देना चाहते हैं तो उसको भी दो हिस्सों में बांट ले, यानी कि आधा बैग तीस से पच्चीस से तीस के जी, पच्चीस से पच्चीस के जी आप प्रति एकड़ पहले पानी पर दे दें और पच्चीस के जी प्रति एकड़ दूसरे पानी पर दे दें, तब भी आपकी नाइट्रोजन की आप पौधे को देख लें कितनी आप उसको आवश्यकता है, उसके हिसाब से निर्णय लें दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों कि आपको देना कैसे है नाइट्रोजन, पानी कैसे देना है, उसकी बात करते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं, जो आलू के बेड हैं, आलू के बेड हैं, अब हम बेड को इस तरह से मैं आपको, ये बेड है आलू का, इसकी जो हाइट है वो 9 से 12 इंची की होती है। बेड की हाइट जो यहां आपकी नाली है उसकी हाइट 9 से 12 इंची की होती है। तो आपको पहला पानी आधे देना है, यानी कि 4 से लेकर के 6 इंच से ज्यादा पानी नहीं चढ़ना चाहिए। और पहला पानी अगर 4 पे ही रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं, तो 4 इंच पानी इस नाली के बीच में आप दे देंगे बेड से नीचे नीचे पहला पानी। उसके बाद अब पानी पहले देना है या आपको यूरिया पहले देना है, यह भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है दोस्तों। आपको मैं बता दूं, अगर आपके खेत शुष्क हैं बिल्कुल, तो शुष्क खेत में आप शाम के समय यानी कि जब धूप न हो उस समय यूरिया को छिड़क कर दे सकते हैं। और आप क्योंकि यूरिया में नाइट्रोजन होती है, और अगर आपने सुबह ही दे दिया और पूरा दिन वो पड़ा रहा तो धूप लगने के बाद बहुत ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन एनवायरमेंट में चली जाएगी। तो शाम के समय छिड़क करके आप यूरिया दे दें और दूसरे दिन आप उसमें पहले पानी लगा दें, अन्यथा आप पहले पानी लगाएं और उसके बाद उसमें जब चलने लायक मिट्टी हो जाए तब आप यूरिया छिड़क करके दे दें। अब आपको इसके साथ और क्या देना है, बहुत सारे लोग इसके बारे में भी जानकारी लेते हैं, ये डिपेंड करता है दोस्तों आपने बेसल डोज के अंदर क्या दिया है। अगर आपने बेसल डोज में अगर जिंक की पूर्ति कर दी है पहले से ही, या तो 33% दिया होगा या आपने, या 10% माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के साथ दिया होगा, आपने अगर ये दे दिया है जिंक तो अभी सल्फर की आवश्यकता नहीं है। अन्यथा अगर आपने नहीं दिया है तो आप इसमें जिंक 33% जिंक आप 3 से 5 केजी प्रति एकड़ दे सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा अगर ये आपने दे दिया है तो आप क्या देना है, तो आप पोटेशियम ह्यूमेट लगा सकते हैं या ह्यूमिक एसिड, नॉर्मली कोई भी कंपनी का आप ह्यूमिक एसिड भी इसके साथ लगा सकते हैं। इसके अलावा भी आप जो सागर का आती है इफको की, उसको भी आप इसमें दे सकते हैं यूरिया के साथ 5 केजी प्रति एकड़ आप शुरुआत में दे दें, 5 केजी प्रति एकड़ आप दूसरे पानी पर दे दें। और अन्य कोई बहुत ज़्यादा चीज़ों की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा आपको स्प्रे कब करना है उसकी बात हम अगले वीडियो में करेंगे दोस्तों। आपने फास्फोरस तो ऑलरेडी दे ही दिया है, फास्फोरस की जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा, इससे ज़्यादा आपको नहीं देनी है, इस समय फास्फोरस की मात्रा की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि फास्फोरस हमने कम दिया था तो जब दूसरा पानी देंगे तो स्प्रे के थ्रू आप लिक्विड फास्फोरस को दे सकते हैं दोस्तों, हालांकि वो उतना इफेक्टिव नहीं रहता जितना बेसल डोज में रहता है। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही, आप सावधानी पूर्वक हल्का पानी पहले 21 से 25 दिन के बीच में दे दीजिए और उसके साथ उसमें नाइट्रोजन की पूर्ति कर दीजिए। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो किसान भाइयों को शेयर करना बिल्कुल न भूलेगा, और हमारे जो नए किसान भाई हैं जो हमारे ऐसे पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को दोस्तों, और आप लाइक कमेंट करते हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे। जय जवान जय किसान।